हेलो माय डियर स्टूडेंट, एज यू ऑल नो आई एम योर मैथ्स एजुकेटर फरहनाज और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स और फिर हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए। तो देखिए ये टर्म्स क्या होती हैं। फर्स्ट है हमारा लाइन। बेसिकली ये आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा बट फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। लाइन क्या होती है? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ नीदर ब्रेथ एंड नॉर लेंथ। मीन्स लाइन हमारे किसी भी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है। देखिए इन पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम बनाते हैं कुछ तो हमारी क्या बनती है? लाइन बनती है। ओके, और लाइन के दोनों साइड आपको एरो दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मीनिंग क्या होता है कि लाइन को हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी लाइन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है? इस लाइन का ही एक पार्ट होता है। अगर हम इस लाइन का एक पार्ट ले लेते हैं, से इट इज ए एंड बी, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और लास्ट। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी हमारी एक फिक्स लेंथ होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है रे। रे होता है जिसको हम एक साइड एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मीनिंग होता है ऐसे पॉइंट्स जो हमारे एक ही लाइन पर होते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं पॉइंट ए बी एंड सी एक ही लाइन पर या एक ही लाइन सेगमेंट पर है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हमारे एक लाइन में नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी एक लाइन में नहीं है, सो ये हमारे होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके, दीज आर कोलिनियर एंड दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है एंगल। देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ये आपके चैप्टर्स भी आएंगे रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल। तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है एंगल? देखिए एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। जब हमारी दो रेज, देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि बी सी एंड ए बी एक सेम पॉइंट से हमारी ओरिजिनेट हो रही है, तो इन दो रेज के बीच ये जो स्लोप हमें दिखाई देता है, इस स्लोप को हम एंगल बोलते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये दो रेज हमारी एंगल बना रही हैं, इनको कहा जाता है आर्म्स ऑफ द एंगल, और वी कैन से बी सी जिस पर एंगल बना हुआ है इसको हम बोलते हैं इनिशियल आर्म, और जो आर्म एंगल बना रही है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल आर्म। सो क्या कहते हैं इसको? इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म। और ये जो इसका जॉइंट पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, सो इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म एंड वर्टेक्स। एंगल को हम राइट कर सकते हैं ऐसे, दिस इज द साइन ऑफ एंगल, एंगल ए बी सी। ये जो वर्टेक्स होता है ना, ये हमेशा मिड में आता है। दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट एन एंगल। ठीक है, अब हमारे एंगल्स जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजर्स बिटवीन 0 to 90 degree। 0 to 90 degree के बीच के एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 60 degree 70 degree, ओके, लेस देन 90। नेक्स्ट आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल होता है एग्जैक्टली इक्वल टू 90 degree। मीन्स 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल 120 110 100। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। देखिए कंप्लीट एंगल होता है एन एंगल हूज मेजर इज 360 डिग्री। 360 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं हम? कंप्लीट एंगल कहते हैं। सर्कल होता है बेसिकली। नेक्स्ट इज
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भी आपने अर्लियर क्लासेस में कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। देखिए ऐसे दो एंगल जिनका सम होता है 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल whose sum is 90 डिग्री are known as complementary angles. For example, 60 degree and 30 degree. देखिए दोनों को add करेंगे तो 90 degree आ जाएगा, और 45 degree and 45 degree दोनों को add करेंगे तो 90 आ जाएगा. So ऐसे दो angle जिनको add करके 90 degree आता है उन angles को हम बोलते हैं complementary angles. ठीक है, और next supplementary angle. देखिए supplementary angle होते हैं ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करके आता है 180 डिग्री. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हो जाता है 120 एंड 60 डिग्री, ऐड करके 180 आता है, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री ऐड करके हमारा 180 आ जाएगा. सो ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करके हमारा आता है 180, दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल. एंड ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करके हमारा 90 डिग्री आता है इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, अब और भी हमारे एंगल्स होते हैं. देखिए नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री. देखिए 180 डिग्री से बड़ा एंगल, बट इट इज लेस देन 360 डिग्री, 360 से छोटा होना चाहिए, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360. तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ओके, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, और ये तो हमें पता ही है कि अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं और इसके तीनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है हमारा 180. दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक, फिर आता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. ये लर्न कर लेना. देखिए इंटीरियर एंगल का सम वही जो मैं भी आपको बता रही थी क्या होता है 180, इसी को हम क्या कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. फिर आते हैं हमारे कुछ देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब ये क्या होते हैं देखिए, इफ वी आर हैविंग टू लाइंस, देखिए ए बी एंड सी डी, हमें दो लाइन दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों कट करती हैं. ओके, अगर दो लाइन हमारी कट करती हैं तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जब ये दोनों किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं. ठीक, अब ये दो लाइंस जब कट करती हैं तो हमारे चार एंगल, देखिए ये 1 2 3 4 चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं. इन चार एंगल में क्या रिलेशन होता है और इन चार एंगल को हम क्या कहते हैं. देखिए ये जो एंगल बनते हैं एंगल 1 एंड 2 हमेशा इक्वल होते हैं और इन एंगल को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इसलिए इनको क्या लिखते हैं शॉर्ट VOA. ओके, सो एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 4 एंड दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखिए हमारे पास ओ ए एंड ओ बी दो हमारे ये क्या है, दो रेज हैं और इनको एक थर्ड रे ओ सी दो पार्ट में ब्रेक कर रही है. मींस पहले ये एंगल बन रहा है और सेकंड ये एंगल बन रहा है. जो एंगल हमारे एक के बाद एक बनते हैं कॉन्सेक्यूटिव वे में, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे दो एंगल जिनका क्या होता है एक आर्म जिनपे कॉमन होती है. अब देखो यहां पर कॉमन आर्म हमें ओसी दिखाई दे रही है, तो ऐसे एंगल जिनमें एक आर्म कॉमन होती है ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. ओके, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स भी हमको दिखाई दे रहा है, अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म भी दिखाई दे रही है ओसी, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म. जो ये नॉन कॉमन आर्म है ओ एंड ओ बी, ये ओसी के हमें अपोजिट साइड दिखाई दे रही है. ठीक है, सो दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट आता है आपका लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, देखो पेयर से हमें पता चल रहा है कि दो एंगल होंगे, तो ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करके क्या आता है 180 आता है, या ऐसे दो एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने होते हैं और जिनका सम होता है 180 उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर. ठीक, एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस
ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पे दो लाइन कट कर रही है ये, तो इसके अपोजिट साइड में दो एंगल बने होते हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने होते हैं, इनका सम होता है हमेशा 180। इनको क्या कहते हैं हम? लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो मैंने भी आपको बताया था कि एक्स जेड और डब्ल्यू वाई हमेशा इक्वल होते हैं, दो लाइन हमारी कट करती है तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए अभी मैं आपको बता रही थी व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर दो लाइन अगर कट करती हैं तो इन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर आता है हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइन हमारी कट नहीं कर रही हैं किसी भी पॉइंट पर तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इन्हीं लाइन को हम पैरेलल लाइन भी बोल देते हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये लाइंस आगे चलती रहेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी भी ये आगे जाके भी या पीछे जाकर भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और क्या कह सकते हैं इनको? पैरेलल लाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन में देखो क्या होता है कि हमारी दो पैरेलल लाइन है एल एंड एम, और इनको एक लाइन ये कट कर रही है, तो ये जो लाइन जो कट करती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब ये दो लाइन को, दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। से इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, एट एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं। अब इन एट एंगल्स में ना कुछ रिलेशन होता है और इनके कुछ पर्टिकुलर नेम भी होते हैं। अब क्या नेम होते हैं और क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो 1 एंड 3, 2 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट, बोथ आर इक्वल। 5 एंड 7, 6 एंड 8 वर्टिकली अपोजिट, ऑल आर इक्वल, मीन्स 5 इज इक्वल टू 7 एंड 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये तो हमारे आ जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, इसके बाद हमारा आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होते हैं? देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जैसे हमने एक ऊपर का एंगल इधर का लिया और एक हमने ऊपर का एंगल इधर का ले लिया, सेम साइड। 1 इज इक्वल टू 5 मीन्स 1, 5, 2, 6 ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएंगे, और 4, 8 यानी हम दोनों नीचे के एंगल अगर हम ले रहे हैं 4, 8, 3 एंड 7 ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर? देखो अल्टरनेट का मीनिंग होता है कि एक हम लेफ्ट साइड का एंगल ले लें, मीन्स एक राइट साइड का एंगल ले रहे हैं और एक लेफ्ट साइड का एंगल ले रहे हैं अपोजिट साइड। सो 4 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये देखो इस लाइन के अंदर के एंगल अगर हम ले रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, 4 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल टू 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही हम एक्सटीरियर एंगल भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 इज इक्वल टू 7 एंड 2 इज इक्वल टू 8 ये क्या हो जाते हैं हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर भी होते हैं और एक्सटीरियर भी होते हैं। ठीक है, ओके। लास्ट हमारा इससे रिलेटेड टर्म आती है, ये जैसे हमारी दो पैरेलल लाइन है जो हमारे अंदर के एंगल दिखाई दे रहे हैं ना 4, 5, 3, 6 इनको हम बोलते हैं क्या? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ओके, और इनका सम हमेशा होता है 180। इट मीन्स 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 एंड 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180। ठीक है, कौन कौन से एंगल आ गए हमारे? देखिए फर्स्ट आया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इसको को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड भी बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं हमारी लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जो आती हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, इन टर्म्स को जाने बिना हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो अच्छा है कि ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी रिलेटेड टू दीज एंगल्स। अगर हमें इन 8 एंगल्स में से एक एंगल भी पता होता है तो हम इसके सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।